कौन है हार्दिक पटेल? हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर जारी आरक्षण आंदोलन के युवा नेता हैं। हार्दिक पटेल का जन्म 20 जुलाई 1993 में चंदन नगरी गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम भरत और माता का नाम उषा पटेल है। उनके पिता भरत पटेल पूर्व भाजपा कार्यकर्ता हैं। 2010 में हार्दिक ने सहजानंद महाविद्यालय अहमदाबाद में बीकॉम की पढ़ाई की। उन्होंने महाविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव के पद के चुनाव में भाग लिया और निर्विरोध निर्वाचित हो गए। हार्दिक बंदूकों के बहुत शौकीन हैं। एक बार उन्हें एक वीडियो में बंदूक लहराते हुए देखा गया था। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि ये हथियार पटेल समुदाय को उत्पीड़न से बचाने के लिए है। हार्दिक क्रिकेट प्रेमी है। वो सरदार पटेल और भगवान राम के भक्त हैं। जुलाई 2015 में हार्दिक की बहन मोनिका राज्य सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने में विफल रही। इस कारण उन्होंने एक पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का निर्माण किया। इसके बाद वो ओबीसी कोटा में पाटीदारों को शामिल करवाने के उद्देश्य से पाटीदार अनामत आंदोलन समिति में शामिल हो गए। हार्दिक ने 6 जुलाई 2015 को विसनगर गुजरात में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। हार्दिक पटेल को पुलिस की हत्या पर कथित टिप्पणी के मामले में राजद्रोह के आरोपों के तहत अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 15 जुलाई 2016 को एक शर्त पर रिहा किया गया कि वो गुजरात से 6 महीने तक और मेहसाणा से 9 महीने तक के लिए बाहर रहेंगे। इस अवधि के दौरान वो राजस्थान में उदयपुर में रहे। हार्दिक पटेल ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।